हेलो माय माउंटली ट्रेंड्स एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स। आज मैं आपको हमारी स्कूल के टूर पे ले जाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप स्कूल में होते तो मैं आप सबको साथ ले जाती, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू स्कूल के अलग अलग रूम्स भी दिखाऊंगी। एंड दिस इज अवर स्कूल। ओके, व्हाट इज दिस? स्कूल 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 स्कूल। ये है स्कूल की पूरी बिल्डिंग। ओके, और आपको पता है स्कूल में क्या क्या होता है, आपकी क्लासरूम में क्या क्या होता है? चलिए मैं दिखाती हूँ। क्लासरूम में होता है ब्लैक बोर्ड, होता है ना, और बोर्ड पे मैम लिखती है और आप लोग देख के बताते हो, और मैम जो बताती है वो आप समझते हो। देखो यहाँ पे भी क्लासरूम है ना, और बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं और पीछे एक ब्लैक बोर्ड लगा है। ओके, फिर स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, पर आपको पता है लाइब्रेरी में बिल्कुल आवाज नहीं करनी होती, क्योंकि वहाँ पे सब बच्चे रीडिंग के लिए आते हैं, तो एकदम से शांति रखनी होती है लाइब्रेरी में। ओके, फिर ये है ऑफिस एरिया, वहाँ पे चेयर्स होती है, टेबल होते हैं और प्रिंसिपल मैम होती है। ओके, और ये है कैंटीन एरिया, यहाँ पे सब बच्चे अपना लंच करते हैं, कैंटीन से लेके भी करते हैं और अपना लंच लेके भी आते हैं। और ये है स्कूल का आउटडोर एरिया, वहाँ पे वाटर प्ले होता है। फिर हमारे स्कूल के पीछे है ना स्लाइड है, फिर स्विंग है, सीसो है, तो वहाँ पे आप लोग खेल पाओगे, और एक सैंड पिट भी है सैंड प्ले करने के लिए। ओके, और स्कूल में बाथरूम भी होता है, आप टॉयलेट जाते हो, हैंड वॉश के लिए जाते हो, तो ये है बाथरूम। ओके, वॉशरूम। तो हमने क्या किया, हमारी स्कूल की विजिट की ना, मजा आया आपको? हमने पूरी स्कूल देखी है ना। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अवर स्कूल। ओके, थैंक यू।